So friends, today we will be talking on a subject which is little different but very important. Mr. Kaul is the key speaker on this topic. Mr. Kaul is graduate from IIT Roorkee 50 years ago, and he served Denmark for about 30 years. Now he is living in Delhi. Along with him in the panel is today Mr. Arun Kundra from USA and Mr. Sandeep Bose from England. So, Kaul sahab, main ye janna chahunga aapse ki self preservation और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का तात्पर्य क्या है। जहां तक मैं समझता हूं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव होगा तो वो प्रिजर्व भी है, ही सेफ, एंड जो नेगेटिव होगा वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसका होना ही होना है। आप बताएं, आप इस बारे में क्या सोच सकते हैं? देखिए, जो डेफिनेशन जो है ना सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, उसकी डेफिनेशन जो है ना बड़ी क्लियर है, लेकिन क्या होता है कि देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स। एज फार एज सेल्फ प्रिजर्वेशन इज कंसर्न, वो तो हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि कोई भी आपत्ति आती है तो हम हमेशा एक नया नया तरीका निकालते हैं उस आपत्ति से जूझने का, उस आपत्ति से निकलने का। लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है, हम हमेशा लाइफ की तरफ भागते हैं, किस तरह से उसको बचने की कोशिश करते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स जो है, दैट इज द सेल्फ प्रिजर्वेशन। प्रॉब्लम कम्स कि भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहाँ से आ गई, क्योंकि हमें तो इननेट नेचर दी है ना भगवान ने कि आपको जो है अपने आप को जीवित रखना है किसी भी हालत में, और इसी वजह से जो है सृष्टि आगे चल रही है। सृष्टि जो है, कल हमारी ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो इननेट नेचर है उसको आप खत्म कर दें तो फिर तो आप खत्म हो जाएंगे, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो आगे तो कुछ बढ़ने का है ही नहीं। हार्डली एनी टाइम विल टेक मेरे ख्याल फ्यू मिनट्स एंड द होल सृष्टि विल बी फिनिश्ड, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वे। नाउ एज फार एज सेल्फ, तो ये तो बहुत क्लियर है, ये तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज, एवरी टॉम डिक एंड हैरी आल्सो नोज। सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो अपने आप को आपने जीवित रखना है किसी भी कॉस्ट। डिस्ट्रक्शन का जहां तक सवाल आता है वो थोड़ा सा नुआंस्ड है, और वो ये है कि भगवान ने, अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान को नहीं मानते तो नेचर को मानते हो, नेचर तो है उसको तो मानना पड़ेगा आपको, तो भगवान को आप मानो ना मानो वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल वो है, रवैया है उसमें। तो डिस्ट्रक्शन का जो चक्कर है ना, हम लोगों में नेचर ने या भगवान ने एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की भी एक वो दी है। उसका जो सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल है कि पीपल कमिट सुसाइड, और जो हमारे अंदर एक क्या कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है सेल्फ प्रिजर्वेशन का और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। एक टिपिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लिया आपकी कोई विश है या आपका कोई कुछ काम कराना है और वो काम आपका नहीं होता, तो आपके दिमाग में एकदम से एक घृणा सी आती है कि यार क्या हो गया था, ये काम नहीं हो, ये काम जो है बहुत जरूरी था, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दिस वर्क हैज नॉट बीन डन, द थिंग्स हैव नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू माय विश। उसमें आप पीने लगते हैं या आप जाके बीवी को झाड़ देते हैं, अपने बच्चों को एक आध थप्पड़ लगा देते होंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन वाली जो है ना दैट ब्रिंग्स। अब उसमें अगर आप धीरे धीरे उससे उभर के वापस आ जाए सेल्फ प्रिजर्वेशन में तो आप ठीक है,
और नहीं अगर आपको आए क्योंकि झटका कोई ज्यादा बढ़िया ज्यादा जोर से लग गया तो वो जो है फिर देन इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम एंड देन यू आर ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हिच कैन लीड टू फैटलिटी आल्सो। कौल साहब मुझे आपसे ये निवेदन करना है कि जब आप बोले हैं तो कैमरे की तरफ देखें, आपका मुंह थोड़ा ऊपर था। अच्छा, सॉरी। दूसरा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने आज लाइटिंग का बेहतर व्यवस्था अपनी कर रखी है तो थोड़ा टेबल लैंप वगैरह लगा के बढ़िया तरीके से सिटिंग होगी तो आई थिंक वी विल बी डूइंग बेटर। तो इसका तो निश्चित रूप से ध्यान रखें। दूसरा मेरी मानना यह है कि ये तो आपने जनरल बात बता दी, मेरा तो कहना यह है कि अब जैसे हमारे मोदी जी हैं, ही वॉज नॉट ए बिग स्कॉलर लाइक यू, बट जिंदगी भर उन्होंने मेरे विचार से प्रिजर्वेशन की तरफ ध्यान दिया। प्रिजर्वेशन क्या है? वो ये है कि दूसरों की अच्छाइयों को आप देखते रहें, अपने अंदर लेते रहें और जब मौका आए तो आप डिलीवर करें। मोदी जी ने 50 साल तक साधना की इस चीज की, लोगों को देखा समझा। और कुछ लोग राहुल बाबा जैसे होते हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपने पिताजी से नहीं सीखा, अपनी नानी से नहीं सीखा और सत्ता के इतने पास होते हुए भी वो मैन पावर सिलेक्शन प्लेसमेंट सही तरह से नहीं कर पाए, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ। आप संदीप बॉस जी आप बताइए, मैंने कुछ ठीक कहा या नहीं? आप यू आर ऑलराइट, कंटिन्यू, आई हैव जस्ट लिसनिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक ये है कि मौज मस्ती मारो, तो जितना वो नेगेटिव साइड में जाएगा वो लूजर है, चाहे बच्चा गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे राहुल गांधी हो चाहे चाय बेचने वाले मोदी जी। तो ये बहुत ज्यादा स्कॉलर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस दुनिया में आके आपने कितनी अच्छाइयां अपने अंदर ली। अगर आपने अच्छाइयां ले ली हैं और बुराइयों से परहेज किया है तो यू विल हैव ए गुड हेल्थ, यू विल हैव ए सक्सेसफुल कैरियर, यू विल हैव ऑल टाइप ऑफ सेल्फ एक्शन। और हमारा जो ये चैनल है उसका काम ही ये है, मेरी सोच तो यही है कि ये सीनियर सिटीजन्स जो हैं, वास्ट अनुभव है इनके पास और ईमानदार सोच है। हम लोग ऊपर जाने के लिए बैठे हैं तो कोई गलत राय किसी को संभवतः नहीं देंगे, और अनुभव इतना बड़ा है कि आज की तारीख का युवा जो है, 25 साल का जो मैनेजर है या 10 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। और हमारी इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स कुछ इस तरह के प्रवचन बोलें ताकि 5 साल के बच्चे को पता चले, कुछ तो पता होना चाहिए कि भाई गीता क्या है, 15 साल के बच्चे को ये पता होना चाहिए चाणक्य ज्ञान क्या है, और 70 साल के जब हम लोग हो गए हैं तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि जो हमने 50 साल में सीखा है हम कम से कम 5 घंटे में 25 साल के एक प्रोफेशनल को बता दें। हम नहीं समझते कि बहुत ज्यादा, या जनरली जब हम छोटे थे या जूनियर थे प्रोफेशन में तो हमारे सीनियर्स ये कहते थे भाई आप लोग अभी कुछ नहीं पता। हमारे पिताजी भी कहते थे कि भाई जब तुम घर चलाओगे तो दाल रोटी का पता लगेगा, अभी आपको कुछ नहीं पता। तो भाई दाल रोटी का पता तो अभी भी नहीं लगा, चीजें आराम से चलती रही। इसी तरह से मेरी सोच ये है कि शुरू में जब घने बाल थे तो हम सोचते थे यार ये बाल जाने कब कम होंगे, जाने कब हमें लोहा ज्ञानी समझेंगे, तो बाल चले गए। बाल जाने के बाद आज की तारीख में हम ही सोचते हैं कि हमें आता क्या, रहने को
दुनिया का अनुभव ही आता है और कुछ नहीं आता। दुनिया में किस वजह से, देखिए 70 साल का आदमी कम से कम 70 बार नहीं तो 7 बार तो फेल होता है, और 7 बार अच्छी तरह से सक्सेस भी मिलती है, और सक्सेस जब मिलती है तो उसके भी रीजन होते हैं, और जो फेलियर होता है उसमें लक भी होता है और बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं। मैं तो ज्यादा बोल गया, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी कुछ इस तरह की सोच बताएं, और हम लोग का बैकग्राउंड वगैरह अच्छा कर लेंगे तो हम लोगों के डिस्कशन ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा प्रेजेंटेबल होंगे। इस बारे में भी राय दीजिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू मेक इट मोर इसी प्रोफेशनल। बाकी तो एडिटिंग वगैरह तो सब हो ही सकती है, और तो कौन सा आप बताइए, वो हम आपने आपने टॉपिक की, हमने थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई में कुछ परिवर्तन किया है अपनी सोच के हिसाब से। देखिए मैं जो हूँ ना, इसमें पहले तो मैं लेट मी क्लियर कपल ऑफ थिंग्स व्हाट यू सेड। आपने जो है ना बहुत सारा, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड को मिला के पूरी जिंदगी का आपने डाल दिया एक जगह पे, एंड दैट इज गुड, ए स्टार्टिंग पॉइंट, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। उसमें जो है ना कुछ जो लोगों के जो फंडामेंटल्स जो है, जो कि आप बता रहे हो कि 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 22 साल का, 25 साल का, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट अवर रिलीजन, अबाउट अवर कल्चर, अबाउट अवर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव। यार पहले तो ये बताओ कि हिंदी मीडियम में रखना चाहते हो इंग्लिश में, बिकॉज़ ये मिक्सचर जो है ना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हिंदुस्तानी है, देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, और हम जो दूसरे को हम आसानी से समझा सकें वो लैंग्वेज आप यूज करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल ऐसा है कि लेट्स की हम इसको जो है ना हिंदी में ही रखते हैं, ठीक है, बिकॉज चाहे कितने भी हम लोग क्लेम करें कि जी हाँ हम अंग्रेजी में बड़े तोप हैं, ये है वो है, लेकिन जो मोस्टली लोगों को जो है वो हिंदी ही समझ में आती है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो हमारा जो व्याख्यान होना चाहिए, हाँ ठीक है बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे 2-4 इधर उधर तो हर जगह आते, बट मेरे ख्याल में जो मेन जो व्याख्यान होगा वो हिंदी में होगा। बिल्कुल सर। तो हम अगर वापस आए टॉपिक पे, तो उसमें जो क्लैरिफिकेशन एक जो बहुत बड़ी चाहिए वो ये चाहिए कि एक ये जो नैरेटिव चला है ना बहुत सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल 20-25 साल से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इंडिया में ही नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने देखा है कि निगेटिविटी छोड़ दो, पॉजिटिविटी को अपना लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन जो है ना नेगेटिविटी की या पॉजिटिविटी की, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, आप मतलब आई डोंट मीन यू गाइस, कोई भी हो गलती कर रहा है, और अगर आप उसको पॉइंट आउट नहीं करोगे क्योंकि आप जो है पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हो, तो आप तो इनजस्टिस कर रहे हो उस आदमी के लिए भी जो गलती कर रहा, क्योंकि वो कभी अपने आप को ठीक नहीं करेगा, और आप पूरी सोसाइटी के लिए गड़बड़ कर रहे हो क्योंकि वो आदमी की गलती की वजह से पता नहीं कितने लोग इफेक्टेड होंगे, और उसके रिपरकशंस जो है वो बड़े डायर भी हो सकते। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का ये कि भैया आप उसको एक्सेप्ट करते जाओ, हाँ मैं तो पॉजिटिव रहना, भैया हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हम अपने में क्या कहते हैं, हमारा अपना दायरा है, हमारी अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्स आगे सामने आती हैं, विच इज अ बैड थिंग, दैट आई थिंक इज अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो ये एक उन्होंने एक बिल्कुल वो ले लिया, आई थिंक इट इज नॉट रियलिस्टिक। द मैसेज शुड बी अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो अपना बता रहा हूं भैया, the message should be that you should be a realistic person. Negative hai to usko negative sense mein lo, positive hai usko positive sense mein lo, deal with it whatever it is, not what it should be. It should be needs a action. Ki aap usko action lo to then you make it as it should be. But jo face value pe jo aapke samne aa raha hai negative hai ya positive hai, there, I think you have to be a realist.